कल हमारे हबीब हॉल में एक इवेंट हुआ था, रीडिंग रूम में एक सेमिनार टाइप हुआ था। तो कुछ एमयू के पुराने बच्चे थे जिन्होंने ये शुरू किया था, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन अभी चलते हैं पहले ऑफिस, कुछ काम है। असल में मेरी जो डाइनिंग है वो ख़त्म हो गई है। 4 तारीख को ही मेरी डाइनिंग ख़त्म हो गई थी, लेकिन उन्होंने डाइनिंग हॉल में कंटिन्यू कर दिया था। तो अब उन्होंने मेरे को बोल दिया कि 7 तारीख तक तुम्हारी कंटिन्यू हो चुकी है, तो अब तुम जाके वो कंटिन्यू करवा लो। तो चलता हूँ भाई पहले मैं ऑफिस, अपनी डाइनिंग शुरू करता हूँ, फिर उसके बाद बात करते हैं। चलो दिखाता हूँ मैं डाइनिंग ऑफिस का एरिया। ये यहाँ से आप राइट टर्न लीजिए, ये हमारे हॉल का नोटिस बोर्ड है और वो रहा प्रोवोस्ट ऑफिस। सुबह के इस टाइम पे 9:48, 9:48 ये आ गया प्रोवोस्ट ऑफिस का एंट्रेंस। एक यहाँ पे नोटिस बोर्ड है, यह है ऑफिस प्रोवोस्ट साहब का, प्रोवोस्ट साहब फिदील। हो गया भाई काम, ये रहा स्लिप। अभी से जाके मेरे को डाइनिंग हॉल का जो ऑफिस है उसमें मेरे को ये चढ़ाना है, उनको देना है, वो कर देंगे बाकी पूरा काम। तो वहाँ चलते हैं अभी। तो जो मेरी स्लिप कटी है डाइनिंग की वो 1700 रुपये की कटी है, 1707 रुपये। 1400 रुपये तो मेरी डाइनिंग फीस है, लेकिन बाकी जो है 307 रुपये वो डेफिसिट आया हुआ है। तो थोड़ा महंगा हो गया है यार, पहले 11th में था मैं तो 1000 रुपये की स्लिप कटती थी, अभी 1700 रुपये कट रहे हैं। तो थोड़ा सा तो महंगा हो गया 2-3 सालों में। तो आओ चलते हैं पहले डाइनिंग हॉल, ज़रा जमा कर दें स्लिप को। ये हबीब हॉल का रीडिंग रूम है, कल वाला जो इवेंट था वो यहीं पे हुआ था, उसके बारे में बात करेंगे बाद में। ये यहाँ पे टीटी रूम, कॉमन रूम, टेबल टेनिस वाला कॉमन रूम, मेरा डाइनिंग हॉल। सुबह नाश्ते का टाइम ख़त्म हो चुका है, तो अभी सफाई वफाई चल रही है। ये हॉल में बैठने के लिए जगह है, वो जो है वो प्योर वेजिटेरियंस के लिए। ऑफिस का रास्ता इधर निकलता है, ये ऑफिसर। तो उन्होंने बोला है कि अभी खाना आपका कंटिन्यू चल रहा है, शाम को हम ऑफिस से स्लिप मंगा के उसको चढ़ा देंगे। तो अभी असल में कुछ बिजी चल रहे थे वो लोग ऑफिस में, काफ़ी सारे लोग बैठे हुए थे। खैर अपना काम हो गया, अब हम चलते हैं बाहर। ये देखो एक नया नोटिस लग रहा है ऑफिस की तरफ से, और जितना मेरा ख्याल है ये स्कॉलरशिप के बारे में कोई नोटिस होगा, क्योंकि सुबह मैं ही गया था स्कॉलरशिप के लिए, ये पूछताछ करने के लिए, अभी तक इन लोगों ने अपडेट नहीं किया है। देखो लग चुका नोटिस, चल के देखते हैं, स्कॉलरशिप के रिलेटेड ही होगा। सुबह मैं ही गया था ऑफिस में इनको बताने के लिए कि एक स्कॉलरशिप का नोटिस आया हुआ है। नहीं, हमारा गैस गलत था, ये इंटर हॉल हॉकी टूर्नामेंट होने वाला है। इंटर हॉल हॉकी टूर्नामेंट होने वाला है, और जो भी स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हैं उनको रूम नंबर 109 में रिपोर्ट करना है 15 तारीख से पहले पहले। हाँ, तो मैं इस इवेंट के बारे में बता रहा था जो कल हुआ था हमारे हबीब हॉल के रीडिंग रूम में। तो ये एक ओल्ड बॉय एसोसिएशन है जो कि हबीब हॉल में ये लोग पहले रहते थे, और उसके जो वाइस प्रेसिडेंट हैं उस एसोसिएशन के, वो ख़ुद भी रिसर्च कर रहे हैं
और उनका मेन मोटिव ये है कि जो भी स्टूडेंट बाहर फॉरेन में जाके, खास करके ईस्टर्न यूरोप में, अगर वो रिसर्च करना चाहते हैं अपने आगे करियर में, तो ये लोग फाइनेंशियल मतलब हेल्प करते हैं उसको, स्कॉलरशिप वगैरह प्रोवाइड करते हैं, और कैसे अप्लाई करना है किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में, किसी भी कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में कैसे अप्लाई करना है, उसमें हेल्प करते हैं ये लोग। तो उसी के बारे में ये सेमिनार था, उसमें ये लोग बता रहे थे। पहले स्पीच हुई, फिर उसके बाद उन्होंने बताया कि अभी तक हमने कितना अचीव किया है, और अपने उसके बारे में, पूरे ग्रुप के बारे में बताया, फेसबुक पेज है एक इनका। और उसके बाद फिर प्रोवोस्ट साहब जो थे, रफ़ीउद्दीन सर, उन्होंने भी अपनी स्पीच दी। और एक चीज़ बहुत अच्छी हुई, वो ये कि उन्होंने कहा कि ऐसे ही हम एकेडमिक सेमिनार हम करते रहेंगे ऐसे ही। तो बहुत अच्छी चीज़ें हैं, काफ़ी सारे नए बच्चों को सीखने को मिलता है। तो अच्छा था यार, बढ़िया था, मज़ा आया। Thank you so much, Shahab, for this beautiful introduction. Actually, I think it's a big exaggeration from your side. The timeline, how we created this platform, title of our platform. So I just mainly listed four of them. How to apply for this fellowship? You will write SSMF, of course, SSMF.org. अब सवाल ये कि पहले तो आप motivate इसी चीज को पाने के लिए आपके अंदर ये एक पैशन डेवलप हो, आप अपना कैरियर डिसाइड करता है। देखिए, मैं बार बार कहता हूँ हमारे स्टूडेंट्स कि अगर अपने कैरियर के बारे में आप कॉन्शियस नहीं है। इन लोगों की अपनी एक वेबसाइट है और फेसबुक पेज भी है, जिस पे ये लोग स्टूडेंट से कनेक्ट होते हैं। उसमें ये बता रहे थे कि अगर आपको बाहर किसी यूनिवर्सिटी में, किसी कॉलेज में अप्लाई करना है, तो किस तरीके से सही अप्रोच आपकी होनी चाहिए और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके रिक्वायर्ड होते हैं, तो सारी चीज़ें वो गाइड कर रहे थे। और कह रहे थे कि मतलब हमारे इस ग्रुप से आप लोग ज्वाइन हो, तो कोई फीस वीस नहीं है। और ख़ास कर AMU के जो स्टूडेंट्स हैं, जो बोनाफाइड स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए है ये, और जो अलुमनाई है जो यहाँ से पढ़ के जा चुके हैं, उनके लिए भी है। तो अगर आप आगे रिसर्च में अपना कंटिन्यू करते हैं तो इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद वो जब ख़त्म हुआ तो फिर एक हल्का ब्रेकफास्ट था सबके लिए और चाय मिली थी, तो बस यही था। और आज दिन भर मैं बिज़ी रहा, सुबह वो डाइनिंग वाला काम करवाया, उसके बाद फिर स्कॉलरशिप का फॉर्म भरा था मैंने, उसके लिए इंटरव्यू का नोटिस आया था, तो वो गया था मैं इंटरव्यू देने के लिए। अब पता नहीं, अब कुछ टाइम बाद उसका रिज़ल्ट अनाउंस होगा, तो फिर देखते हैं क्या होगा। तो बस यही था, अब कल पेपर है मेरा, मेरे फाइनल्स चल रहे हैं। एक पेपर हो चुका है, टोटल 8 पेपर है, एक हो चुका है, 7 पेपर और बाकी है। 21 तारीख तक हमारा एग्ज़ाम होगा, उसके बाद फिर 2 लैब होगी, उसके बाद मैं फ्री हो पाऊँगा। तो मतलब पूरा फरवरी जाएगा इसमें, तो बीच में अगर टाइम मिला तो फिर अगली वीडियो में बनाएंगे कुछ ना कुछ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।